नाउ डिस्कस अबाउट द पीएन जंक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी ये. सो मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट, पीएन जंक्शन, कैसे पीएन जंक्शन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल बैरियर, डेप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द बाइसिंग. बाइसिंग मीन्स एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑन द डायोड. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड मीन्स पीएन जंक्शन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बोले हम लोग इस तरह, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर जॉइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट नोन एज पीएन जंक्शन. When p type semiconductor joined with n type semiconductor, that is known as pn junction. And you also know that p means positive type, in which holes are majority charge carriers and electrons minority charge carriers. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द होल्स. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दीज आर होल्स. ठीक. नाउ एन रीजन नेगेटिव टाइप, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. क्लियर. यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, होल्स कम हो गए, और इधर होल्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं. लेकिन एक्चुअल में ऐसे बनता नहीं कि आपने पी लिया और एन लिया, ज्वाइन कर दिया, पीएन जंक्शन बन गया. तरीका होता है इसका. सपोज यू वांट टू मेक पीएन जंक्शन, तो एक प्रोसेस ये होगी. इफ यू हैव अ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, एन टाइप तो आपको पता ही, बना सकते हैं हम लोग, जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज एड कर देंगे प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो वो एन टाइप बन जाएगा. तो सपोज यू हैव अ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड कट द स्लाइसेस वेफर्स एंड प्लेस अ वेरी थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द वेफर्स मींस स्लाइसेस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड प्रोवाइड हीट अप टू 580 डिग्री सेल्सियस. प्रोवाइड अ हीट अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 580 डिग्री सेल्सियस. डिफ्यूज होकर जो बनेगा, दैट इज पीएन जंक्शन. ठीक है. सपोज यू हैव अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप तो मिल ही जाएगा आपको व्हेन वी एड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज. सपोज यू हैव अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, कट स्लाइसेस, प्लेस अ फॉस्फोरस लेयर ऑन द स्लाइसेस, अगेन प्रोवाइड हीट अप टू 580 डिग्री सेल्सियस. डिफ्यूज होकर जो बनेगा, दैट इज पी एन जंक्शन. तो बोलेंगे हम लोग यही, व्हेन पी टाइप जॉइंट विद एन टाइप, दैट इज पी एन जंक्शन. बेसिकली बनता इस तरह है. चलो पी एन जंक्शन बन गया. एज इट इज क्लियर, दे हैविंग डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज. यहां होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर से, होल्स की डेंसिटी ज्यादा है, या इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है. जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे डेप्लेशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर वगैरह, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट. डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, इन दो को समझना बहुत जरूरी होगा. ड्यू टू देयर डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज, व्हेन दे ज्वाइन, डिफ्यूजन स्टार्ट. डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज. एन रीजन में होल्स डिफ्यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे होल्स को. ठीक है. अब जैसे एन रीजन में देखें आप, यहां इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे हैं. ठीक. अब जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, तो यहां पर डोनर पॉजिटिव आइंस मिल जाएंगे. डोनर पॉजिटिव आइंस,
ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे डोनर पॉजिटिव आइंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये इमूवेबल होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द सराउंडिंग एटम्स, सो दे कांट मूव, इमूवेबल होंगे. ठीक है, क्लियर. नाउ सिमिलरली पी रीजन में क्या होगा, होल्स डिफ्यूज बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन. तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आइंस आ जाएंगे जो इमूवेबल होंगे. तो जंक्शन के पास इधर आप देखें तो पॉजिटिव आइंस होंगे जो मूव नहीं कर पा रहे, इधर नेगेटिव आइंस आगे वो भी मूव नहीं कर पा रहे. तो एट द जंक्शन एक ऐसी लेयर बन जाएगी वेयर नो मूवेबल चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट, एंड दिस लेयर इज नोन एज डेप्लेशन लेयर और दैट इज नोन एज डेप्लेशन रीजन. ये डेप्लेशन रीजन कहलाएगी. नो मैंस लैंड वाला एरिया बन जाता है, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि दे आर बाउंडेड बाय द सराउंडिंग एटम्स, दैट इज नोन एज डेप्लेशन रीजन. और ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती है, इसकी थिकनेस बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ये डिपेंड करेगा बायसिंग पर जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहां पर चूंकि पॉजिटिव स्पेस रीजन बन जाएगा ये, यहां पर नेगेटिव स्पेस रीजन बन जाएगा. यहां पर क्या बन गया, पॉजिटिव स्पेस रीजन और ये हो जाएगा नेगेटिव स्पेस रीजन. ठीक है, और ये जो फिजिकल लेंथ है इनके बीच में, दैट इज नोन एज विथ ऑफ द बैरियर, दैट इज नोन एज विथ ऑफ द बैरियर. मीन्स यहां से और इस जंक्शन तक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जो फिजिकल लेंथ होगी दैट इज नोन एज पोटेंशियल. ठीक है, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ये कहलाएगा पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन. और ये कहलाएगा नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन. क्लियर. अब इसमें क्या होगा, अब जब डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, इन इधर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, इधर होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, तो एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन करंट. That is known as diffusion current. ये diffusion current बन जाएगी. जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का diffusion होगा वैसे वैसे पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. रिजल्ट यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा क्योंकि deficiency of electrons. और वैसे भी ये रीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन. तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल. ऐसे ही यहां पर क्या है, जैसे जैसे होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बढ़ रहा है, तो यहां पर अब आपको नेगेटिव पोटेंशियल मिल जाएगा. अब ऐसा होने पर एक स्मॉल बैटरी सी बन गई, यहां पर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते जाएंगे पॉजिटिव स्पेस रीजन बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा. ऐसे ऐसे यहां पर जब नेगेटिव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव मींस होल्स डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव स्पेस रीजन आ जाएगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहां पर होल्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग एंड दे प्रोड्यूस drift current, they start drifting, so they produce drift current. That is known as drift current. Starting में diffusion current ज्यादा थी, drift current low थी, लेकिन जैसे जैसे field strong होता चला गया,
जैसे जैसे डिफ्यूजन ज़्यादा होता चला गया, जैसे जैसे पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बढ़ना स्टार्ट हुआ, सिमिलरली नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बढ़ना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया, रिजल्ट ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगी, डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होगी। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बोथ बिकम इक्वल, और ये सैचुरेशन स्टेज कहलाती है पीएन जंक्शन की। एट दैट टाइम द पोटेंशियल एट द जंक्शन बिकम मैक्सिमम, वीबी पोटेंशियल बैरियर कहलाएगा, इट बिकम मैक्सिमम। वीबी इट बिकम मैक्सिमम, सैचुरेट हो गया, एंड दिस पोटेंशियल स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस पोटेंशियल स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर की तरह बिहेव करेगा, इट स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स देयर अपोजिट रीजन्स। जैसे यहां एन रीजन है तो यहां होल्स का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, अभी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन कम हो गया, यानी होल्स कम हो जाएंगे। ऐसे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, यानी होल्स का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, तो ये रीजन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एंड दिस पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम एंड स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन। ओके नाउ, और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायसिंग। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग का मतलब है एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑन द डायोड। जो पीएन जंक्शन है उस पर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दो, एक बैटरी ज्वाइन कर दो, दैट इज नोन एज बायसिंग। एंड बायसिंग आर ऑफ टू टाइप्स, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग। पीएन जंक्शन, और आपको पता है कि यहां पर होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और आपको पता है कि जब फॉर्मेशन डिस्कस की थी, यहां पॉजिटिव आया था और यहां पर नेगेटिव आया था। नाउ व्हेन वी कनेक्ट अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पी रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये लो टेंशन बैटरी होगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द लो टेंशन बैटरी विद एन रीजन ऑफ द डायोड, सच टाइप ऑफ बायसिंग नॉन एज फॉरवर्ड बायसिंग, इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। क्लियर? दैट इज नॉन एज फॉरवर्ड बायसिंग। अब रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको पता है यहां पर तो इमूवेबल चार्ज पार्टिकल्स थे,
अब जरा वर्किंग देखो इसकी फॉर्ड बायसिंग की. व्हेन पी रीजन ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दीज होल्स रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल. हियर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल्स दे प्रेस द डेप्लेशन लेयर. सो इट बिकम थिन. और थिन ओरिजिनल थिन होने का एक और रीजन है. आप देखो कि जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बैरियर का अपोजिट है. जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो अब हो जाएगा V माइनस बी बी. अपोजिट सब्ट्रैक्ट हो गया. दैट्स वाई डेप्लेशन लेयर बिकम थिन. इट प्रोवाइड लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग. इट प्रोवाइड लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग. इट मीन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द डेप्लेशन लेयर. मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द डेप्लेशन लेयर बिकॉज इट प्रोवाइड लीस्ट रेजिस्टेंस. इट बिकम थिन. और थिन होने का रीजन क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर बोथ आर अपोजिट. वी माइनस वी हो गया है. इफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस द डेप्लेशन लेयर दैट मीन्स कंडक्शन स्टार्ट. सो रिजल्ट डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग बिहेव एज अ कंडक्टर. डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग बिहेव एज अ कंडक्टर. इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. अब आप ये सोच रहे होंगे जब सारे होल्स इधर चले गए सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए रिकम्बाइन हो गए फिर क्या होगा? जैसे ही होल्स इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे बैटरी के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. अगेन सप्लाई स्टार्ट. इधर से फिर होल्स आना स्टार्ट एंड अगेन इधर से इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट. प्रोसेस गोइंग ऑन. ऐसा नहीं है एक बार ऐसे गए एक बार ऐसे गए खत्म हो गया. जैसे होल्स इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे बैटरी के अंदर एंड अगेन कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोसेस गोइंग ऑन. तो कुल मिला के रिजल्ट क्या मिला? इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन मीन्स डायोड. पीएन जंक्शन को हम लोग डायोड भी बोला करते हैं. उसका सिंबल ये होता है. ये पी होता है ये एन होता है. इधर सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ डायोड और पीएन जंक्शन. तो कुल मिला के इन फॉरवर्ड बायसिंग डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस प्रोवाइड लीस्ट रेजिस्टेंस. ऑल्सो इट इज क्लियर इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर. ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया. नाउ डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग जस्ट अपोजिट कनेक्शंस. रिस्पी एंड डिजाइन एज यू नो दैट एन पी रीजन होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स माइनोरिटी चार्ज कैरियर्स. And the potential barrier. If we connect negative terminal of high tension battery with P region and positive terminal of high tension battery with N region, such type of biasing known as reverse biasing. P positive and negative forward biasing, P negative and positive reverse biasing. तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स देखो यहां पर होल से वो इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे रीजन बढ़ जाएगा. डेप्लेशन लेयर बिकम थिक ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग. और मैंने आपको बताया था कि डेप्लेशन रीजन इज नॉट यूनिफॉर्म. इसकी थिकनेस घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है. तो
यहां पर बढ़ रही है और यहां पर घट रही है. इट प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिवर स्पाइसिंग. रीजन रीजन ये है कि आप देखो कि पोटेंशियल बैरियर और अप्लाइड पोटेंशियल दोनों सेम नेचर में है. यहां अपोजिट था और यहां पर सेम है. तो V प्लस बी भी हो जाएगा. पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है, डेप्रेशन रीजन बढ़ जाएगा. इट बिकम थिक, प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस. रिजल्ट, नो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कैन क्रॉस द डेप्रेशन लेयर. नो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, एक भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पाएगा डेप्रेशन रीजन को. ओनली फ्यू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर कुछ होल्स होंगे, दे कैन मूव ओनली, केवल यही मूव कर पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेगा नेगेटिव टर्मिनल, या होल्स रिपेल होंगे पॉजिटिव टर्मिनल के कारण. एंड दे कंट्रीब्यूट वेरी स्मॉल करंट, ऑलमोस्ट नेगेजिबल. रिजल्ट, रिवर्स बाइसिंग डायोड बिहेव एज अ इंसुलेटर. इन फॉरवर्ड बाइसिंग इट बिहेव एज अ कंडक्टर. रिवर्स बाइसिंग इट बिहेव एज अ इंसुलेटर. ये डायोड की प्रॉपर्टी हुआ करती है और किसी में नहीं होती ये चीज. सेम चीज कंडक्टर भी बन सकती है और सेम चीज इंसुलेटर भी बन सकती है. ये प्रॉपर्टी सिर्फ सेमी कंडक्टर में हुआ करती है, डायोड में होती है, पीएन जंक्शन में होती है. इन फॉरवर्ड बाइसिंग इट बिहेव एज अ कंडक्टर एंड इन रिवर्स बाइसिंग इट बिहेव एज अ इंसुलेटर. एक ही चीज है, वही फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्टर बन गई, वही चीज रिवर्स बायसिंग में इंसुलेटर बन गई. और ये प्रॉपर्टी सिर्फ सेमीकंडक्टर में हुआ करती है और किसी में नहीं, और इसीलिए सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा है. क्लियर? तो ये हो गया बायसिंग. बायसिंग मींस एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑन द डायोड नॉन एज बायसिंग. क्लियर? पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉरवर्ड बायसिंग, पी नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग. इन फॉरवर्ड बायसिंग इट बिहेव एज ए कंडक्टर एंड रिवर्स बायसिंग इट बिहेव एज अ इंसुलेटर. नाउ, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, सिलेबस में है, एक्सपेरिमेंट है. तो अब लेके चल रहे हम लोग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड. पहले के चल रहे हम लोग इनपुट करैक्टरिस्टिक. डायोड ठीक, और दूसरी होती है आउटपुट करैक्टरिस्टिक. तो इनपुट करैक्टरिस्टिक को फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक भी बोला करते हैं. फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक एंड फॉरवर्ड बायसिंग वाली. और फॉरवर्ड बायसिंग आपको पता है, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और अब यहां पर हम लोग डायोड का सिंबल यूज करेंगे. आपको पता है डायोड का सिंबल ये था, पी एंड एन. तो ये सर्किट डायग्राम हो गया इनपुट करैक्टरिस्टिक का या फॉरवर्ड बायसिंग करैक्टरिस्टिक का. देखो आप, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव. तो उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है. वी और आई, जैसे जैसे हम लोग इसकी
वेरिएबल रेजिस्टेंस से वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे रीडिंग आती जाएंगी, और उनकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना होता है। और ये जो वोल्टेज होता है दैट इज नॉन एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मीन्स द पोटेंशियल आफ्टर दैट करेंट लीनियरली इंक्रीज, करंट लीनियरली इंक्रीज नॉन एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज फिक्स नहीं होता है। फॉर जर्मेनियम इट इज नियर अबाउट 0.3 वोल्ट, फॉर सिलिकन इट इज नियर अबाउट 0.6 टू 0.7 वोल्ट, दैट इज नॉन एज नी वोल्टेज। तो अलग अलग होता है सबके लिए, जर्मेनियम के लिए कुछ और होगा और सिलिकन के लिए कुछ और है। अगर हम यहाँ 0.7 के आसपास लेके चल रहे हैं, इसका मतलब सिलिकन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो फॉर सिलिकन नी वोल्टेज 0.6 टू 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम इट इज नियर अबाउट 0.3 वोल्ट। तो ये इसका सर्किट डायग्राम होगा और यहां पर ये इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ये एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट है। और अब हम लोग लेके चल रहे हैं रिवर्स यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायसिंग आपको पता है, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव। इसका सर्किट डायग्राम देखें आप, कनेक्शंस अपोजिट हो गए, कनेक्शंस अपोजिट हो गए। तो यहां पर पी रीजन है, ये इट इज एन रीजन, पी विद नेगेटिव एन विद पॉजिटिव। ये रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक के सर्किट डायग्राम। आपको पता है रिवर्स बायसिंग में पी नेगेटिव एन पॉजिटिव हुआ करता था। और अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें, रिवर्स बायसिंग है। स्टार्टिंग में आपको पता है रिवर्स बायसिंग में इट बिहेव एज इंसुलेटर, हाई पोटेंशियल लगाया गया, हाई टेंशन, इसके बावजूद भी करंट बहुत कम मिलेगी। ड्यूरिंग स्टार्टिंग करंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल। Almost independent of the potential, that is known as saturation current. At a particular very high potential, current rapidly increase. At a particular very high potential, current rapidly increase, and this potential known as breakdown potential. ब्रेकडाउन पोटेंशियल, करंट रैपिडली इंक्रीज, और इस पोटेंशियल पे बॉन्ड्स ब्रेक हुआ करते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, करंट रैपिडली इंक्रीज। और इस पोटेंशियल पर हर एक कोई डायोड काम नहीं कर पाता है, कोई भी डायोड काम करेगा ऐसा नहीं है। इस पे एक स्पेसिफिक डिजाइन डायोड ही काम किया करता है, स्पेसिफिक डिजाइन, हाईली डॉप्ड, पावर रेटिंग हाई, और वो होता है जीनर डायोड। और इसलिए इस पोटेंशियल को
जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। दैट इज ऑल्सो नोन एज जीनर वोल्टेज। तो हर एक कोई डायोड काम नहीं कर पाता है, सिंपल डायोड तो उनकी पावर रेटिंग लो होती, डैमेज हो जाएंगे, और इस पोटेंशियल पर जो वेरी हाई पोटेंशियल है उस पर वही डायोड काम कर पाते हैं जिनकी पावर रेटिंग हाई है, और वो है जीनर डायोड। इसलिए इस पोटेंशियल को कई बार जीनर वोल्टेज भी बोला करते हैं। द पोटेंशियल एट विच द करेंट रैपिडली इंक्रीज नॉन एज जीनर वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट में काउंट होते हैं, ये दोनों के ही ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उनके ऊपर ये रीडिंग्स बनाई जाती हैं, ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और थ्योरी सिलेबस में भी है और एक्सपेरिमेंट भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो कंक्लूजन क्या मिला? इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर, इन रिवर्स बायसिंग डायोड बिहेव एज अ इंसुलेटर, और इसीलिए डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज किया करते हैं। डायोड एज अ रेक्टिफायर, डू नो व्हाट द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज रेक्टिफायर। तो डायोड यूज करेंगे हम लोग एज अ रेक्टिफायर, मीन्स विच कैन कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, जो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर?